तो यहाँ पर वसुदेव भी सोचते हैं तो मैं क्या करूँ, भाग्य है। फिर भी वो ट्राई करते हैं, कुछ तो डिप्लोमेसी करता हूँ, कूटनीति अभी कर रहे हैं, अभी साम दाम वेद दंड, तो दंड नहीं दे सकते, वेद को प्रयोग कर रहे हैं, तो वेद के द्वारा समझा रहे। वो सोच रहे हैं कि कंस को प्रॉब्लम देवकी से नहीं है, देवकी के बेटे से, वो भी अष्टम गर्भ का है, इसीलिए वो विचार कर रहे हैं कि मैं कंस को अपना जितने भी पुत्र जन्म होगा सबको मैं क्या करूंगा, प्रदान कर दूंगा, और इससे कंस भी, कंस का भी कार्य हो जाएगा और देवकी भी बच जाएंगे। और ये तो भगवान का वाणी है, आकाशवाणी हो चुका है कि मेरा ही एक पुत्र कंस को मारेगा, इसीलिए कुछ समय के लिए इसको सेटल करने के लिए मैं ये प्लान करता हूँ, कंस को मैं समस्त पुत्र देने के लिए प्रण लेता हूँ। इस प्रकार विचार करके सोचते हुए एक डिप्लोमेसी कूटनीति प्रयोग करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, वन में एक्ट डुप्लीसियसली फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग कृष्णा एंड हिज इंटरेस्ट। तो कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी क्या कर सकते हैं, हम कूटनीति का अप्लाई कर सकते हैं, वेद का अप्लाई कर सकते हैं, भगवान का कार्य के लिए, भगवान की इंटरेस्ट के लिए। समटाइम्स वन मस्ट एक्ट डुप्लीसियसली इन ए डेंजरस पोजिशन एज वसुदेव डीड टू सेव हिज वाइफ। द मटेरियल वर्ल्ड इज कॉम्प्लिकेटेड एंड टू एग्जीक्यूट वन्स ड्यूटीज वन कैन नॉट अवॉइड एडोप्टिंग सच डिप्लोमेसी। तो ये कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड है, इसलिए कभी कभी भेद भी हमें करना अत्यंत आवश्यकता है। वसुदेव को जाना जाता है एक सत्यपरायण व्यक्ति के रूप में, और इतना सत्यपरायण व्यक्ति है वो परम सत्य को प्राप्त करने वाले, तो परम सत्य उनके संतान बनने वाले हैं, और वसुदेव जी ये परम सत्य को बचाने के लिए एक कूटनीति का अप्लाई कर रहे हैं। तो ये भी कभी कभी जीवन में आवश्यकता होता है। जिस प्रकार अभी भारत का सिचुएशन है, तो भारत को अनेक चाइना अटैक करने की प्रयास करता है, पाकिस्तान अटैक करने की प्रयास करता है, तो अभी जो सरकार है चाइना के बाजू में जितना भी देश है उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप रखे हैं, तो इससे क्या होता है, चाइना भारत को अटैक नहीं कर पाएगा। चाइना अटैक करना चाहेगा तो बाकी देश के साथ हमारा संबंध अच्छा रहेगा तो वो लोग चाइना पर अटैक करेंगे। तो ये इसको कहते हैं डिप्लोमेटिक डीलिंग, जो चाणक्य पंडित इस प्रकार कहते हैं, आपका बाजू वाला खराब है तो उसके बाजू वाले के साथ दोस्ती करो तो जनरली क्या होगा, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। दैट इज द, ये प्रिंसिपल लेके अभी जनरल पॉलिटिशियंस कार्य कर रहे हैं, दैट इज द आइडिया, और ये प्रिंसिपल को वसुदेव जी ये यहाँ पर अपना रहे हैं। और वसुदेव जी यहाँ पर सिर्फ अपना संतान को जन्म देना इसलिए नहीं चाह रहे हैं, अपना पत्नी का भी रक्षा करना चाहते हैं, ये भी उनका दिल का बात है, हृदय की बात है। क्यों पत्नी का रक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो देवकी है ये कृष्ण को जन्म देने वाले हैं, इसलिए देवकी का रक्षा ही कृष्ण का रक्षा है, देवकी का रक्षा ही कृष्ण का जन्म का कारण है, देवकी का विनाश ही तो कृष्ण का जन्म का विनाश हो सकता है, इसीलिए देवकी का रक्षा करना अत्यंत आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार हमारे लिए इस्कॉन देवकी जैसे, और जिस प्रकार वसुदेव जी डिटर्मिनेशन के साथ देवकी का रक्षा करना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी इस्कॉन की रक्षा करने की प्रयास करना चाहिए, अपना तन से, अपना धन से, अपना मन से और अपना कूटनीति से, बुद्धि से इस्कॉन की रक्षा करना अत्यंत आवश्यकता है, पालघर टेम्पल की रक्षा करना अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारा ऐसे कंस है जो कि इस्कॉन को विनाश करना चाहते हैं, डिफेम करना चाहते हैं, और उस कंस मेंटालिटी के जो लोग हैं उनसे इस्कॉन को बचाना अत्यंत आवश्यकता है, और वसुदेव जी जैसे हमें प्लान करना चाहिए, साम दाम दंड वेद, ये चार प्रकार वे से इस्कॉन को हम बचाएंगे तो क्या होगा, कृष्ण जन्म लेंगे, हमारा हृदय में, हमारा चेतना में कृष्ण का भाव उत्पन्न होगा, दैट इज कृष्ण भावनामृत संघ। इसीलिए इस्कॉन का रक्षा करने की प्रयास करने की अर्थ यह है कि हम कृष्ण की रक्षा करना चाहते हैं, जिस प्रकार वसुदेव जी इस प्रकार प्रयास कर रहे हैं।